हेलो बच्चों, कैसे हैं बच्चों आप सब। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पढ़ा था। मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास में हमने देखा था कुछ इक्वेशंस थे इंपॉर्टेंट, वो हमने ऑब्जर्व किया था। हमने देखा था कि कैपिटल एम यानी टोटल मास ऑफ सिस्टम इनटू द पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये आपका होता है इक्वल्स टू एम वन इंटू आर वन वेक्टर प्लस एम टू इंटू आर टू वेक्टर, और ऐसे ही करते करते बच्चों प्लस एम एन इंटू आर एन वेक्टर, राइट। ये इक्वेशन हमने पिछली क्लास में ऑब्जर्व किया था। वैसे इसको डिफरेंशिएट किया तो हमारा आ गया कैपिटल एम इंटू वी वेक्टर इज इक्वल्स टू एम वन वी वन वेक्टर प्लस एम टू वी टू वेक्टर एंड सो ऑन करते करते एम एन वी एन वेक्टर, राइट बच्चों, ठीक है। और फिर हमने ऑब्जर्व किया था कि मास, टोटल मास इनटू द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू एम वन इनटू ए वन वेक्टर प्लस एम टू इनटू ए टू वेक्टर, और ऐसे करते करते बच्चों एम एन इनटू ए एन वेक्टर, ऐसा ही था। और फिर हमने कह दिया फोर्स इनटू मास ऑफ इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये हो जाएगा फोर्स ऑन सेंटर ऑफ मास, ये आपका हो जाएगा एफ वन वेक्टर। वैसे ही एम टू ए टू हो जाएगा एफ टू वेक्टर, और ऐसे करते करते बच्चों लास्ट में हमारा एफ एन वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। और यहां से हमने लिखा था कि फोर्स ऑन सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू सम ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, और हमने यहां पर ऑल ले लेते हैं, यानी कि जितने भी फोर्सेस हैं उन सारे फोर्सेस का एक्सटर्नल, ठीक है, हर पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स है उसका सम और जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं वो सारे फोर्सेस, ये सब हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, ठीक है। अब चलिए हम लोग इसको इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने आज पढ़ना है बच्चों लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल। हम लोग लीनियर मोमेंटम पढ़ेंगे, वहां से न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को प्रूव करेंगे और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को भी देखेंगे, ठीक है। इन दोनों चीजों से आप वाकिफ हैं। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन आप जानते हैं, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या था, एफ इज इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी, यही था, या फिर एफ इज इक्वल टू एम ए जो आप कहना चाहें। तो एफ इज इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन था, इसको हम लोग समझेंगे। और दूसरा बच्चों के कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, यानी कि कोलिजन के दौरान या कोई फोर्स लगने की वजह से पूरे सिस्टम का जो टोटल मोमेंटम है वो कंजर्व रहता है, कांस्टेंट रहता है, ठीक है, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे तो। सिर्फ इंटरनल फोर्सेस की बात करें, सिस्टम के अंदर के फोर्सेस की बात करें, तो कभी भी उस सिस्टम का जो मोमेंटम है वो चेंज नहीं होता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है, इस चीज को हम लोग देखेंगे। तो बच्चों यहां पर चूंकि हमें सिस्टम ऑफ पार्टिकल कंसिडर करना है, इसलिए हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं जिसका मास एम वन एम टू एम थ्री ऐसे करते करते एम एन है, और जिनकी वेलोसिटीज जो है वो वी वन वी टू वी थ्री ऐसे करते करते वी एन है, यानी कि जितने भी सिस्टम में जो पार्टिकल्स हैं वो सारे पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं। पहला पार्टिकल का मास एम वन वी वन वेलोसिटी से मूव कर रहा है, दूसरे पार्टिकल का मास एम टू वो वी टू वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इस तरीके से एनएफ पार्टिकल का मास एम एन और वो वी एन वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है। तो चलिए जरा हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों, मैं थोड़ा सा लिख देता हूं यहां पर, लेट अस कंसिडर अ सिस्टम हैविंग एन पार्टिकल्स, कितने पार्टिकल्स है बच्चों, एन पार्टिकल्स ऑफ मास एम वन कॉमा एम टू ऐसे करते करते एम एन एंड आर मूविंग विथ वेलोसिटी वी वन वी टू ऐसे करते करते वी, ठीक है। हमने क्या कंसिडर किया बच्चों, हमने कंसिडर किया कि हमारे पास एक सिस्टम है जिसमें एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, उन एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स का मास है एम वन एम टू एम थ्री एम फोर ऐसे करते करते एम एन, और ये पार्टिकल्स जो मूव कर रहे हैं वेलोसिटी वी वन वी टू वी थ्री वी फोर एंड सो ऑन,
ठीक है, यानी पहला पार्टिकल जिसका मास m1 है वो v1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, दूसरा पार्टिकल जिसका मास m2 है वो v2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो अगर हमसे कोई पूछे कि भैया मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, ठीक है, मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, पहले पार्टिकल का मोमेंटम क्या होगा, इसको हम लोग P1 सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है बच्चों, और चूंकि मोमेंटम हम लोग जानते हैं कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए मैं इसे P1 वेक्टर सिंबल से रिप्रेजेंट करता हूं। यहां वेलोसिटी को भी V1 वेक्टर, V2 वेक्टर, Vn वेक्टर ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो बताइए पहले पार्टिकल का मोमेंटम क्या होना चाहिए, भाई पहले पार्टिकल का मास m1 और वो मूव कर रहा है v1 वेलोसिटी से, इसलिए हो जाएगा m1 इनटू v1 वेक्टर, राइट। जो दूसरा पार्टिकल है बच्चों p2 वेक्टर, इसका हो जाना चाहिए m2 इनटू v2 वेक्टर, और ऐसे ही करते करते जो nth पार्टिकल है इसका मोमेंटम कितना होना चाहिए, mn इंटू vn वेक्टर, राइट। अब देखिए ये एक सिस्टम हमारे पास है n नंबर ऑफ पार्टिकल का, और इसमें जितने भी पार्टिकल्स हैं सबका मास आपको पता है, सबकी वेलोसिटी आपको पता है, आपने इंडिविजुअल हर पार्टिकल के मोमेंटम को भी कैलकुलेट कर लिया। तो मोमेंटम चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है और हर पार्टिकल का मोमेंटम अगर आपको पता है, तो वेक्टोरियली अगर हम हर पार्टिकल के सारे पार्टिकल के मोमेंटम को ऐड करते हैं तो क्या वो हमें पूरे सिस्टम का मोमेंटम नहीं मिल जाएगा। तो भाई इंडिविजुअली हर पार्टिकल का मोमेंटम जब हमारे पास है तो अगला स्टेप हम लोग करते हैं कि हम लोग फाइंड करते हैं टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो बच्चों टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम कैसे निकलेगा, टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम, पूरे सिस्टम का टोटल मोमेंटम क्या होगा बच्चों, पूरे सिस्टम का टोटल मोमेंटम हो जाएगा पहले पार्टिकल का मोमेंटम वेक्टोरियली प्लस दूसरे पार्टिकल का मोमेंटम वेक्टोरियली, ऐसे करते करते जो nth पार्टिकल है उसका मोमेंटम वेक्टोरियली। ठीक है, तो पहले पार्टिकल का मोमेंटम हो गया m1 v1 वेक्टर, दूसरे पार्टिकल का मोमेंटम m2 v2 वेक्टर, और ऐसे ही करते करते जो nth पार्टिकल का मोमेंटम है वो है mn vn वेक्टर, राइट। अच्छा, ये जो पूरा p1 वेक्टर प्लस p2 वेक्टर और p3 वेक्टर ऐसे करते करते प्लस pn वेक्टर है, इसको मैं लिख दे रहा हूं p वेक्टर। ये p वेक्टर क्या है बच्चों, ये जितने भी मोमेंटम है हर पार्टिकल का जो मोमेंटम है उनका वेक्टर सम p वेक्टर के बराबर है। तो ये हमारा आ रहा है इक्वल्स टू m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर प्लस डॉट 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 प्लस mn vn वेक्टर। इसको मैं कह दे रहा हूं बच्चों इक्वेशन नंबर 1, या इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको हमें यूज करना है, इसको मैं कह दे रहा हूं इक्वेशन नंबर 1 और इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब जरा इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इन दोनों को कंपेयर कीजिए बच्चों, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इन दोनों को आप कंपेयर कीजिए, आपको दिखेगा कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों का जो राइट हैंड साइड है, ठीक है बच्चों, जो आरएचएस है दोनों का वो बराबर है। नोटिस कीजिए पहले इक्वेशन का आरएचएस क्या है, m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर, ऐसे करते करते mn vn वेक्टर। इसमें देखिए m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर करते करते mn vn वेक्टर, यानी कि दोनों का जो RHS है वो सेम है। अगर RHS दोनों का सेम है बच्चों तो क्या LHS भी सेम नहीं होना चाहिए। तो मैं लिखूंगा कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, हम यहां से लिख रहे हैं P वेक्टर इज इक्वल्स टू, ठीक है, जो P वेक्टर है किसके बराबर हो जाएगा, M इंटू V वेक्टर के बराबर। ठीक है बच्चों, इसको इक्वेशन नंबर 3 कह देते हैं। क्या आ गया, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 कंपेयर करने पर हमारा है p वेक्टर इज इक्वल्स टू m इनटू v वेक्टर। ठीक है, यानी आप कह सकते हैं
कि इस पूरे सिस्टम का जो टोटल मोमेंटम है, ठीक है, इस पूरे सिस्टम का जो टोटल मोमेंटम है वो किसके बराबर है, m into v वेक्टर, या m क्या है पूरे सिस्टम का मास, v वेक्टर क्या है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। यानी क्या ये बच्चों हमारा मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास नहीं आ रहा है, यानी पूरे सिस्टम में जितने भी पार्टिकल्स हैं सबके मोमेंटम को निकाल कर आप ऐड करिए, या सिर्फ सिस्टम ऑफ मास के मोमेंटम को निकाल कर ऐड करिए, एक ही बात है, इक्वेशन वन और इक्वेशन टू कंपेयर करने से हमें पता चल रहा है। ठीक है, चलिए इक्वेशन थ्री आ गया कि मोमेंटम ऑफ द एंटायर सिस्टम इज इक्वल टू द मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब मैं इसको ना इक्वेशन थ्री को भी हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं टाइम के रेस्पेक्ट में, ठीक है, डिफरेंशिएटिंग डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन थ्री विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। किसी से रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं बच्चों, टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, डीपी वेक्टर अपॉन डीटी, क्या आ गया ये डीपी वेक्टर अपॉन डीटी, और इस साइड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एम इंटू डीवी वेक्टर अपॉन डीटी। अब मुझे बताइए यहां पर क्या किया हमने, बाय डिफरेंशिएट करेंगे तो मास तो कांस्टेंट होगा, पूरे सिस्टम का जो मास है, जो टोटल मास है वो तो कांस्टेंट रहेगा, वो तो चेंज होगा नहीं, तो इसलिए मास को हमने बाहर निकाल दिया और वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दिया, और डीवी बाय डीटी यानी सेंटर ऑफ मास के वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो क्या मिलेगा, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन, तो ये आपका आ जाएगा इक्वल्स टू एम इंटू ए वेक्टर। और आप जानते हैं कि मास इंटू एक्सेलरेशन जो है वो एक्सटर्नल फोर्स के वेक्टर के बराबर होता है, राइट, तो यहां से हमारा निकल कर आ गया बच्चों एफ एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू डीपी वेक्टर अपॉन डीटी, और याद करिए यही तो हमारा न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है, राइट, ठीक है, ये हमारा हो गया न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। यानी एक चीज नोटिस करिए बच्चों, हमने वैसे तो न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को एक पार्टिकल के लिए बनाया था, उसी के लिए यूज किया था, लेकिन न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए भी उतना ही वैलिड है जितना कि एक सिंगल पार्टिकल के लिए वैलिड है, राइट, ठीक है। चलिए अब ये हो गया, अब मैं कह रहा हूं कि इन केस अगर एक्सटर्नल फोर्स हमारा जीरो के बराबर है, इन केस एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू जीरो, क्या केस है बच्चों कि हम एक ऐसा केस ले रहे हैं जिसमें कि एक्सटर्नल फोर्स हमारा जीरो के बराबर है, तो इसकी जगह अगर हम जीरो लिख देंगे तो क्या आ जाएगा, डीपी वेक्टर अपॉन डीटी, डीपी वेक्टर अपॉन डीटी इज इक्वल टू जीरो। मोमेंटम को टाइम के साथ डिफरेंशिएट करें तो जीरो आ रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो मोमेंटम वेक्टर है वो हमारा कॉन्स्टेंट है, ठीक है, कॉन्स्टेंट को ही तो डिफरेंशिएट करने पर जीरो आता है। तो आप नोटिस कीजिए कि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पर नहीं लगता है तो सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहता है, ठीक है, यानी हमने क्या कंक्लूड किया कि इफ एफ एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू जीरो, यानी कि अगर बाहर से सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है देन दी टोटल मोमेंटम, देन दी टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम रिमेन्स कंजर्व, ठीक है, इसी को हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहते हैं बच्चों। तो आप देख सकते हैं जिस तरीके से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पार्टिकल्स के ऊपर वैलिड होता है, वैसे सिस्टम ऑफ पार्टिकल एक्सटेंडेड बॉडी के ऊपर भी वैलिड होता है, ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रही है यहां तक। अब देखिए एक चीज और समझिए कि अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है इसका मतलब ये नहीं कि इंटरनल फोर्सेस नहीं लगेंगे,
इंटरनल फोर्सेस का सम भी जीरो होता है, लेकिन इंडिविजुअली तो इंटरनल फोर्सेस लगते हैं, यानी एक पार्टिकल तो दूसरे पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगाएगा ही। हाँ, दूसरा पार्टिकल पलट कर उस पर उतना ही फोर्स लगा देगा, वो बात की बात है। तो अगर एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम का जीरो है तो उस केस में पूरे सिस्टम का मोमेंटम तो कंजर्व रहता है, जिसको हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहते हैं। लेकिन इंटरनल फोर्सेस चूंकि इंडिविजुअली एक्ट करेंगे, ओवरऑल उनका भी सम जीरो है, लेकिन इंटरनल फोर्सेस चूंकि इंडिविजुअली एक्ट कर रहे हैं, इसीलिए सिस्टम के अंदर हर पार्टिकल का जो मोशन है, जो ट्रैजेक्टरी है, वो अलग अलग और कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है, लेकिन उस इंटरनल फोर्स की वजह से पूरे सिस्टम पर ओवरऑल कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है, उस सिस्टम का मोमेंटम तो कंजर्व रहता है। इंटरनल फोर्स लाख एक दूसरे के ऊपर लग जाए, अलग अलग डायरेक्शन में लग जाए, इंडिविजुअली पार्टिकल्स किसी भी तरीके से मूव करें, लेकिन जो सेंटर ऑफ मास है वो सेंटर ऑफ मास पर कोई इफेक्ट इंटरनल फोर्स के लगने की वजह से एक दूसरे पार्टिकल के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। क्लियर है बच्चों? चलिए इसको आप लोग नोट करिए पहले। बच्चों एक छोटा सा एग्जांपल है, उस एग्जांपल को समझ लीजिए, फिर हम लोग आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करेंगे। सपोज करो कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, रेडियम, ठीक है, कोई भी दूसरा रेडियो एक्टिव एलिमेंट ले सकते हैं, आपके एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया उसमें मैं ये ले रहा हूं, ठीक है। तो एक एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है रेडियम, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव है, जितने भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो सारे जो हैं वो डिके कर जाते हैं, समझे डिसइंटीग्रेट करते हैं, टूट जाते हैं। तो जब ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट सपोज करिए यहां पहुंचने पर अगर टूटता है, ठीक है, ये मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, मूव कर रहा है, अच्छा, ये रेडियम अगर इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो इसका सेंटर ऑफ मास भी इसी डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है। तो यहां पर पहुंचने पर मान लीजिए कि रेडियम जो है वो डिके कर जाता है, वो रेडॉन में डिके कर जाता है और हीलियम में, ठीक है, डीके करने पर उसका न्यूक्लियस टूटता है, टूट कर दो अलग अलग एटम्स बन जाते हैं, एक बनता है रेडॉन और एक बनता है हीलियम, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। लेकिन ये जो डिसइंटीग्रेशन हुआ है बच्चों, ये इंटरनल फोर्सेस की वजह से हुआ है, इसके न्यूक्लियस के अंदर जो एनर्जी का इम्बैलेंस था, जो न्यूक्लियॉन्स एक्साइटेड स्टेट में थे, ये आप ट्वेल्थ पढ़ेंगे डिटेल में, तो उस वजह से हुआ है। तो इंटरनल फोर्सेस की वजह से यहां पर ये डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, इसमें एक्सटर्नल फोर्स का कोई रोल नहीं। और हमने देखा था कि अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो होता है तो सिस्टम का जो मोमेंटम है वो कांस्टेंट रहता है। अच्छा, मोमेंटम कांस्टेंट होने का मतलब क्या है कि सिस्टम जिस स्पीड से आगे की तरफ बढ़ रहा था अभी भी उसी डायरेक्शन में उसी स्पीड से बढ़ेगा। तो हालांकि रेडॉन इधर मूव कर रहा है, हीलियम इधर मूव कर रहा है, लेकिन इनका जो सेंटर ऑफ मास है ये इसी पाथ के अलोंग आगे अपने मोशन को कंटिन्यू रखेगा। क्लियर है? यानी अगर आप इसके सेंटर ऑफ मास, अभी आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या, बाहर से इसको देख रहे हैं, अगर आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस सेंटर ऑफ मास हो जाए, यानी आप खुद जाकर सेंटर ऑफ मास पर अगर बैठ जाएंगे, तो आप नोटिस करेंगे कोई भी चीज अपने रेस्पेक्ट में तो रेस्ट पे ही होता है। तो आप अगर सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाएंगे तो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से सेंटर ऑफ मास खुद तो रेस्ट पे रहेगा। तो इसीलिए सेंटर ऑफ मास को देखेगा कि भाई पहले ये रेडियम था, अब डिसइंटीग्रेट करके रेडॉन और हीलियम बन गया है, लेकिन जो सिस्टम का सेंटर ऑफ मास है अभी भी कांस्टेंट ही रहेगा। क्लियर है बच्चों? तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग यही समाप्त कर रहे हैं। ये लीनियर मोमेंटम सिस्टम ऑफ पार्टिकल का, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। अगले लेक्चर में हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट की बात करें, जैसे हमने चैप्टर नंबर 6 में स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट की बात की थी, अब हम लोग इस चैप्टर में, अगले लेक्चर में वेक्टर प्रोडक्ट या फिर कह लीजिए क्रॉस प्रोडक्ट की बात करें, और फिर उस पर बेस्ड हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करें। तो अगले दो लेक्चर हमारे वेक्टर प्रोडक्ट के लिए रहेंगे, ठीक है बच्चों? यहां तक पढ़ लीजिए, क्योंकि अब इसके बाद फिर आपको, अभी तक आपने वेक्टर्स का इस्तेमाल नहीं किया है क्रॉस या डॉट प्रोडक्ट लेने के लिए,
प्रोडक्ट्स के फॉर्म में इस्तेमाल नहीं किया, प्रोडक्ट के फॉर्म में इस्तेमाल करने का टाइम आ गया है। ठीक है, तो पहले सीख लेंगे फिर उसको यूज करेंगे। तब तक अभी तक जो हमने पढ़ लिए है उसको आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, और पढ़िएगा जरूर, यहां तक के टॉपिक को अच्छे से कवर कर लीजिए क्योंकि इसके बाद अब नई चीजें शुरू होने जा रही है। ठीक है, बाय।